अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद हैं बसपा के नेता शाहिद लारी। शाहिद लारी से हम जानना चाहते हैं कि इनके प्रत्याशी की स्थिति इन्हें क्या लग रही है और किस आधार पर इन्हें लग रहा है कि इनका प्रत्याशी जीत सकता है। शाहिद लारी जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे प्रत्याशी जो हैं सरल स्वभाव के हैं, जो ऑलरेडी पुराने बसपा के कार्यकर्ता थे। इनको बहन जी ने इनके ऊपर विश्वास करते हुए जमनिया से इनको टिकट दिया। इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ के दूसरे नंबर पे आके इन्होंने चुनाव हारा और उस पर फिर बहन जी ने इनके ऊपर विश्वास करते हुए घोसी लोकसभा से इनको प्रभारी बनाया। प्रभारी से आज वो प्रत्याशी के रूप में यह कार्य कर रहे हैं और इनका चुनाव आते आते देख रहे हैं माहौल को बदलते हुए लोगों के जज्बा को बढ़ा दिया गया है। नौजवानों के अंदर इच्छा प्रकट हो गई कि इतना बढ़िया प्रत्याशी हमारे बीच आ गया, हम लोग के बीच में रहने में नौजवान तबके का आदमी हमारे साथ आ गया है। तो हर आदमी के जबान पे अतुल राय के लिए एक ही नारा है कि सबकी राय एक राय, अब की बार अतुल राय। अच्छा ये बताइए कि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए बकरी वाली मिसाल यहाँ साबित हो गई है। आपके घोसी लोकसभा छत्तर क्षेत्र में अब्बास अंसारी साहब, विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे, जिन्होंने काफी मेहनत किया, उनको ही टिकट मिलने की भी बात थी, उनको टिकट नहीं मिला, बाहरी को लाया गया, फिर इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे क्या अब्बास अंसारी जी में ये काबिलियत नहीं थी कि इनको टिकट दिया जा सके? सबसे पहली बात की अगर अब्बास अंसारी निर्दल होते वो खुद फैसला कर सकते थे, मगर आज अब्बास अंसारी भी उसी पार्टी के सदस्य है जिस पार्टी के सदस्य अतुल राय जी है। और रही बात मेहनत करने की बात, तो हर जिम्मेदार जैसे बाप हो और बेटा हो तो बेटा अपने घर के लिए, बाप अपने घर ही के लिए मेहनत करता है, मगर उसके साथ बेटा के साथ क्या होगा बाद में, अब बाप क्या करेगा बेटे के साथ ये कोई नहीं जानता। तो बहन जी के कार्यकर्ता सभी थे, चाहे अब्बास भाई हमारे हों, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफजाल अंसारी हो, चाहे उनके जितने भी परिवार के लोग हों, और चाहे अतुल राय हो। बहन जी को चाहिए था, अगर बहन जी चाहती तो यहाँ से अब्बास अंसारी को घोसी लोकसभा का टिकट दे के अतुल राय जी, चूंकि उनका करीबी है तो अतुल राय जी को भी कहीं और से टिकट दे सकती थी और इस सीट पे अतुल राय अब्बास अंसारी को मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती। और कार्यकर्ताओं का जो रुझान युवा का एकांत थे यहाँ पर माने जाते थे अब्बास अंसारी जी, जिनको हटा दिया गया, इस विषय में आप बताएं आपसे। इसके लिए तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब्बास अंसारी भी एक तरीके से कार्यकर्ता है, बहन जी तो जिसको चाहेंगे वो टिकट दे सकती, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। तो अब्बास अंसारी इसके पहले विधानसभा चुनाव लड़े थे और उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कर रहे थे, मगर बहन जी का आदेश आया कि बहन जी इनको लगा दी प्रचार में अफजाल अंसारी चचा के और अतुल राय को प्रभारी बना के इनको टिकट दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौजूद थे हमारे संदेश लाइव के साथ।